दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज मैं कोविड 19 के होने को 3 महीने हो गए। आज 3 महीने से हमारे टेम्पो सिटी बस ऑटो सभी वाहन खड़े हैं, जबकि आज हमारी रोजी रोटी इसी हिसाब से इनके चलने से ही होती है सब कुछ। आज 3 महीने से न तो हमारे को राहत दी गई सरकार की तरफ से, न कोई भी सुविधा कोई दी है। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी हमारे को अगर चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे टैक्स गाड़ियों की किस्तें परिवार चलाना मेंटेनेंस सभी आते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमारे को जैसे आपके सरकारी बसें चल रही है तो हमारे को चलाने में परेशानी हो रही सरकार को। हमारे को अगर राहत नहीं दे सकते हो तो कम से कम चलाने की अनुमति तो दी जाए, जिससे कि हमारी रोजी रोटी चल सके और टैक्स इंश्योरेंस सभी आ रहे हैं, सभी कागजात खत्म हो रहे हैं। गाड़ी अजमेर शहर में कम से कम 2000 के आसपास, और सिटी बसें भी है, ऑटो भी है, सभी वाहन है, सभी बेरोजगार होके परेशान हो रहे हैं, भूखमरी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी किससे मिले आप? अभी अपने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया हमने। कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे हम। आपका नाम? गुलाबचंद वरिष्ठ, टेम्पो यूनियन अध्यक्ष।